नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर जिले के थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम बादरोन से सामने आ रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें, इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है जिसकी जानकारी को हम आपको विस्तार में बता देंगे। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। बताया जा रहा है कि जहाँ के जंगलों में लकड़ी बीनने गई तीन महिलाएं राजघाट बांध के गेट खोले जाने से अचानक जान बचाती हुई एक टापू पर चढ़ गई। इसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। हम आपको इस पूरे मामले की जानकारी को विस्तार में बता रहे हैं। ये मामला ललितपुर जिले के थाना जखौरा क्षेत्र अंतर्गत बादरोन का है, जहाँ ललितपुर के राजघाट बांध का जलस्तर बढ़ने से बांध के गेट से पानी खोलकर निकासी की। इसी बीच थाना जखौरा क्षेत्र के ग्राम बादरोन के जंगल में बकरियां चराने गईं, तीन महिलाएं अचानक आई पानी की बाढ़ को देखकर घबरा गईं और इधर उधर भागने का प्रयास किया। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इसी बीच एक टापू पर जाकर ठहर गईं ये महिलाएं। ये खबर जंगल में आग की तरह इलाके में फैल गई। जैसे इसकी सूचना जखौरा थाना अध्यक्ष आनंद कुमार पांडे को मिली, वह तुरंत समय गवाए पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने राजघाट बांध के गेट बंद कराकर रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से सभी अर्थात तीनों महिलाओं को टापू से निकाल कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाया गया एवं तीनों महिलाओं को उनके गांव बादरोन पहुंचाया और राहत की सांस ली। आइए देखते हैं ललितपुर लाइव टीवी के लिए जखौरा से उमा शंकर सोनी की रिपोर्ट। Like it. Never miss an update.